इस साल ठंड बहुत ज्यादा है। जी हाँ, जहाँ अपना आजकल लोग घर से बाहर निकलने से झिझकते हैं। हाँ, पर लोगों को काम करना तो पड़ेगा ही, चाहे ठंड हो या ना हो। वो तो है, पर जब ठंड बहुत बढ़ जाती है तो ज्यादातर लोग घर पर ही रहना पसंद करते हैं। ओ, ये पानी तो जैसे बर्फ बन गया हो। आप ठीक कह रहे हैं लाला जी, इतनी ठंड में कौन बाहर निकलेगा। माफी चाहता हूँ हुजूर, मुझे ऐसा नहीं लगता। बीरबल, आपको हर वक्त हमारे खिलाफ जाना जरूरी नहीं है। माफी चाहता हूँ जहाँपना, मैं आपकी बात नहीं काटना चाहता। मैं तो सिर्फ आपको बताना चाहता था कि ऐसे भी लोग हैं जिन्हें मुश्किलों में भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप कहना चाहते हैं कि ऐसे भी लोग हैं जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जी हाँ हुजूर, मैं यही कहना चाह रहा था। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। कोई भी इंसान पैसा कमाने के लिए एक हद से पार नहीं जा सकता। आप सही फरमा रहे हैं हुजूर, मैं भी ऐसा ही समझता हूँ। जहाँपना, आपके राज्य में ऐसे भी लोग हैं जो हालात की वजह से थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए मुश्किल से मुश्किल काम करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। क्यों ना तुम अपनी इस बात को साबित कर दिखाओ। क्या तुम ऐसे आदमी को ला सकते हो जो सारी रात इस ठंडे पानी में खड़ा रह सके? हम उस आदमी को इनाम में 10 सोने की अशर्फियां देंगे। जी हाँ हुजूर, इतनी कम रकम के लिए भी कोई ना कोई इस काम को करने के लिए तैयार हो ही जाएगा। मैं इस बात को यकीन करना चाहूं भी तो नहीं कर सकता। पहली बात तो कोई भी इंसान ये पता चलने के बाद कि पानी कितना ठंडा है, इसको स्वीकार नहीं करेगा। दूसरी बात, अगर कोई मूर्ख स्वीकार कर भी ले तो सुबह तक बच नहीं पाएगा। जहाँपना, मुझे पूरा यकीन है कि मैं ऐसे आदमी को आज ही ढूंढ सकता हूँ। ठीक है, आप इस बात को साबित कीजिए और ऐसा आदमी ढूंढिए। इस बात का फैसला आज ही हो जाए। मुझे यकीन है कि इस बार आप गलत साबित हो जाएंगे। हुजूर आला, मैं आज ही ऐसा आदमी ढूंढ कर शाम को दरबार में पेश कर दूंगा। जहाँपना, अपनी चुनौती स्वीकार करने वाला मुझे मिल गया है। इजाजत हो तो उसे बुलाया जाए। उसे बुलाएं? बीरबल, हम जरूर मिलना चाहेंगे उससे। गंगाराम हाजिर हो। आदाब जहाँपना। क्या बीरबल ने समझा दिया है कि तुम्हें क्या करना है? जी हाँ हुजूर, मुझे सारी रात आपके बगीचे वाले तालाब में खड़े रहना होगा। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम तालाब में खड़े रहकर अपनी जान गंवा सकते हो? या तुम्हें वहाँ की ठंड का अंदाजा नहीं? जापाना, मैं जानता हूँ कि तालाब का पानी कितना ठंडा होगा। हमें लगता है कि 10 अशर्फियों के बदले ये करना बहुत बड़ी मूर्खता है। बीरबल, इस पर नजर रखने के लिए 2 सैनिक तैनात रहेंगे। यह आदमी आज रात हमारा मेहमान है, इसकी अच्छी तरह खातिर की जाए। क्या पता आज की रात इसकी आखिरी रात हो। तो हम आप दोनों से सुबह मिलेंगे। तो बताइए बीरबल, क्या हाल है आपके आदमी के? वो बाहर ही रुका है, क्यों ना उसी से पूछ ले। गंगाराम हाजिर हो। आदाब जापाना। तो कहो, कैसी रही रात? हुजूर, आसानी से तो नहीं, पर ऊपर वाले की दया से किसी तरह कट गई। तुम कहना चाहते हो कि तुमने सारी रात तालाब में गुजारी? मुझे यकीन नहीं आता। ये सच है जापाना, ये सिपाही मेरे गवाह है। सच बताओ, क्या इस आदमी ने सारी रात तालाब में गुजारी? जी हाँ जापाना, सुबह होने पर ही ये पानी से बाहर निकला। हम दोनों ने कड़ी नजर रखी। हमें इस बात का यकीन नहीं हो रहा है। कैसे किया तुमने ये? सारी रात क्या किया वक्त बिताने के लिए? हुजूर, शुरू में तो बहुत मुश्किल था। ठंड के मारे मैं अकड़ गया था, फिर तालाब के किनारे एक दीव को देखने लगा और सारी रात उसे देखते और भगवान का नाम लेकर गुजार दी। हाँ हाँ, अच्छा तो ये राज है।
तुम्हें उस दिए से गर्मी मिल रही होगी, इसलिए तुम इतनी देर उस ठंडे पानी में रह सके। हम जानते थे, वरना ऐसा कर पाना तुम्हारे लिए नामुमकिन होता। पर जापना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे धोखा करने की? फिर भी हम तुम्हें सजा नहीं देंगे, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि यह कितना मुश्किल था। परिणाम के बारे में तुम भूल ही जाओ। पर जापना, बस बहुत हो चुका, हम और कुछ सुनना नहीं चाहते। सिपाहियों, इस आदमी को दरबार से बाहर ले जाओ। बीरबल, इस बार आपको अपनी हार माननी ही पड़ेगी, आप गलत साबित हुए। आपके खिलाफ जाने के लिए मैं माफी चाहता हूं। कोई बात नहीं बीरबल, सभी कभी ना कभी गलती करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे ख्याल से आज हम ईरान के शाह के लिए तोहफे का फैसला करने वाले थे, क्या आपके पास कोई सुझाव है? माफी चाहता हूं हुजूर, पर कुछ घरेलू परेशानी की वजह से मैं अभी घर जाने की इजाजत चाहता हूं। मैं दोपहर तक वापस आ जाऊंगा। जरूर बीरबल, आप जा सकते हैं, पर जल्द ही लौट आइएगा। बीरबल कहाँ है? क्या वो लौटे नहीं? नहीं हुजूर, अभी तक नहीं लौटे। क्या उन्हें बुलाने के लिए किसी को भेजा जाए? हाँ, एक सिपाही को भेजिए और उन्हें जल्द दरबार पहुंचने को कहिए। तब तक आप बाकी कार्यवाही कर सकते हैं। जापना, इस साल देश भर से आए लगान की रकम कुछ इस तरह थी। आदाब जापना, बीरबल ने कहा है कि वो खाना खा रहे हैं और खाना खाकर दरबार में हाजिर हो जाएंगे। आज बीरबल को हो क्या गया है? इतनी देर से तो वो कभी खाना नहीं खाते। हमारे ख्याल से अब तक उनका खाना हो गया होगा। तुम एक और घोड़ा लेकर उनके घर जाओ और उनसे कहो कि जितनी जल्दी हो सके दरबार पहुंचे। तुम अकेले क्यों आए? बीरबल कहाँ है? क्या हमने तुमसे कहा नहीं था कि उन्हें साथ लेकर आना? हुजूर, मैं उनके घर गया था आपका संदेशा लेकर, पर बीरबल भोजन तैयार कर रहे थे और उन्होंने आपको कहने के लिए कहा है कि वो जैसे ही हो जाएगा वे दरबार में हाजिर हो जाएंगे। हमारे ख्याल से हमें खुद जाकर देखना पड़ेगा कि बीरबल क्या कर रहे हैं। हम इसी वक्त उनके घर जाएंगे। आदाब जापना। जापना, अगर मेरी वजह से आपको किसी भी तरह की तकलीफ हुई हो तो माफी चाहता हूं। क्या हो रहा है बीरबल? सिपाही ने कहा कि आप खाना खा रहे हैं, और यह सब माजरा क्या है? हुजूर, वो जो ऊपर हांडी टंगी हुई है उसमें मेरा भोजन है। मैं खिचड़ी बना रहा हूं, अफसोस अब तक बनी नहीं है। बीरबल, आप ठीक तो हैं? आग से इतनी ऊंचाई पर हांडी टांगने से खिचड़ी कैसे पकेगी? हुजूर, मुझे नहीं लगता मैं कुछ गलत कर रहा हूं। क्यों नहीं पकेगी? हांडी सीधे आग के ऊपर टंगी है। बीरबल, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? खाने को जब तक गर्मी ना मिले वो पकेगा कैसे? और अगर आप हांडी को आग से इतना ऊपर रखेंगे तो गर्मी कैसे पहुंचेगी? जहां पना, मैंने सोचा कि अगर गंगाराम को दूर लगे एक दिए से गर्मी मिल सकती है तो आग से थोड़ा ऊपर टांगने पर खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती। अच्छा अच्छा, हम आपकी बात समझ गए। ठीक है, आप जीते। अपने आदमी के साथ आप जल्दी दरबार में हाजिर हों, उसे उसका इनाम मिल जाएगा। शुक्रिया हुजूर। और ये आपके लिए बीरबल, एक शहंशाह को उसकी गलती का एहसास कराने में बड़ी हिम्मत चाहिए, और ये दिखाने के लिए आपने जो रास्ता चुना वो भी बड़ा दिलचस्प था। शाबाश। राजा बीरबल जिंदाबाद, शहंशाह अकबर जिंदाबाद, राजा बीरबल जिंदाबाद, शहंशाह। शुक्रिया हुजूर।